फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ पेपर पराठे की रेसिपी। मूली का पेपर पराठा जो ना फटेगा और ना ही मूली उसमें से बाहर आएगी। बहुत ही पतला क्रिस्पी पराठा है मूली का पेपर पराठा, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही पतला पेपर पराठा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज इसके लिए मैंने यहाँ पर दो मूली ली है। ये 500 ग्राम मूली है और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ये सभी मूली को ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। नमक इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि जब हम इसे उठाकर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, तो ये सारा पानी मूली छोड़ देगी और सारा पानी निकल जाएगा, जिससे बहुत आसानी से पराठा बन सकता है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं और इसके बाद हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। ये पराठा बनाने के लिए अब हम आटा तैयार करते हैं। इसके लिए 1 कप गेहूं का आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये डो बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, मीडियम, जो हम नॉर्मल चपाती के लिए तैयार करते हैं, बस इसी तरह से इस डो को भी तैयार कर देंगे। और अब ये डो भी तैयार हो गया है तो इसे भी हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं और अब मूली को चेक कर लेते हैं। जो ये मूली ग्रेट की थी, अब इसने पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते काफी पतली है। तो अब हम इसमें से पानी निकाल लेंगे। इसके लिए खाली बाउल लेंगे और इस तरह से हाथ पर कुछ मूली रखेंगे थोड़ी सी और दूसरे हाथ से हल्का सा प्रेस करते हुए इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे। जब हम स्टफिंग करेंगे तो बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, तो बहुत अच्छे से बहुत सारी स्टफिंग हम उस पराठे के अंदर भर सकते हैं। तो देखिए कितना सारा पानी निकल गया है मूली में से। अब हम इसे फेंक देंगे और देखिए मूली बिल्कुल ड्राई हो गई है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इस सब मूली में। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में सबसे पहले यहाँ पर कुछ धनिया पत्ती बारीक कटी हुई मिक्स करेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ अदरक और 2 हरी मिर्च को ग्रेट किया है। अदरक को ग्रेट कर लिया है और हरी मिर्च को हल्का सा क्रश कर लिया है, कूट लिया है, तो वो हमने इसमें ऐड किया है। और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड किया है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम ये सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है और इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इसमें सभी मसाले मिक्स कर लेंगे। जब हम बनाएंगे तो ये पराठा ना तो फटेगा और ना ही बाहर निकलेगी मूली, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी और पतला पेपर पराठा इसमें बनकर तैयार होगा। तो अब ये आटा चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल स्मूथ है, पतला। अब हमने थोड़ा सा देसी घी लिया है, उसको हाथ पर लेकर इस आटे पर लगाएंगे और इस आटे को हम एक बार फिर से स्मूथ कर लेंगे। इससे पराठे बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और चिपकेंगे भी नहीं और इसमें से छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे। जैसे नॉर्मल पराठे की बनाते हैं, इसी तरह से हम छोटी छोटी लोइयां तैयार करें। अगर ये आटा चिपक रहा है तो हाथ पर हल्का सा सूखा आटा लगा लेंगे। इस तरह से सभी लोइयां तैयार कर लें और अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इस लोई से पराठा तैयार करेंगे। इसका मैंने एक पराठा की शेप में बिल्कुल बेल लिया है बिल्कुल, और इसी तरह से हम एक पराठा और तैयार करेंगे, एक चपाती। और जो ये तैयार हुई है, अब इस पर हम ये मसाला जो हमने मूली का तैयार किया था, स्टफिंग मूली की, इसको बहुत अच्छी तरह से लगा देंगे। 2-3 चम्मच भर के इसमें बहुत अच्छे से मसाला लग जाता है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, तो इसलिए बेफिक्र होके खूब अच्छी तरह से इसमें फिलिंग तैयार भर लें। अब ये जो दूसरा पराठा था, ये हम इसके ऊपर रख लेंगे और कॉर्नर्स को हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए
और अब इसे उठाकर हल्का सा इस पे सूखा आटा डस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, आप इसमें मैदा या गेहूं का आटा कोई भी डस्ट करें और हल्का हल्का हाथ से इसको बेलेंगे। इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बेलेंगे, बहुत ही हल्का हल्का इसको बेलेंगे चारों तरफ से, बिल्कुल एक सार पराठे को घुमाते हुए। बहुत ही पतला पराठा बन जाएगा ये, बिल्कुल पेपर के जैसा। तो इस तरह से इसको बिल्कुल पतला चारों तरफ से बिल्कुल एक सार बेल लेंगे। और इस समय पर तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए ये पराठा बेल गया है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तवा मीडियम गर्म है, बहुत हाई नहीं रखेंगे। और हल्का सा मैंने उस पर ऑयल ग्रीस किया है, बहुत ही हल्का ऑयल लगाया है। और अब इस पराठे को इस पर डाल देंगे। जब ये पराठा एक तरफ से सिक जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं क्योंकि बहुत ही पतला है और क्रिस्पी बनाना है हमें इसे। जब ये सिक जाएगा इधर से तो हमने इस पर देसी घी लगाया है। आप कोई भी ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, उसको लगा सकते हैं। दोनों तरफ से पलटते हुए इसको गोल्डन होने तक सेक लें। देखिए मूली का पराठा फूल गया है, और कभी मूली का पराठा ज्यादातर फूलता नहीं है, लगभग देखा है कि फट गया है या मूली बाहर निकल गई है। तो देखिए कितने अच्छे से फूल कर आया है पराठा। मीडियम फ्लेम पर इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से बिल्कुल क्रिस्प होने तक सेक लेंगे, और इसका कलर भी थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। आप देखिए दोनों तरफ से पराठा बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। अब जो ये बीच का पार्ट है, पोर्शन, इस तरह से हम इसको अलग कर लेंगे। इस तरह से चिमटे से इसको बिल्कुल अलग कर लें। आप देखिए स्टफिंग कितनी अच्छी तरह से भरी हुई है, दोनों पार्ट पर बहुत ही अच्छे से स्टफिंग लगी हुई है। इस तरह से दोनों पराठे बिल्कुल अलग कर लें, कितना पतला और क्रिस्पी पराठा बना है। अब इस पर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप घी नहीं लगाना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर चिमटे की हेल्प से इसे हल्का हल्का इस तरह से पेपर पराठे की तरह रोल कर लेंगे, जो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना क्रिस्प, कितना पतला और स्टफिंग भी बहुत सारी। तो इसी तरह से सारे पराठे तैयार कर लेंगे। जो इसके ऊपर दूसरा पराठा था उसको भी हम इसी तरह से रोल कर लेंगे। जब हम इस पराठे को रोल करेंगे तो उस समय गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तो इसी तरह से सारे पराठे तैयार कर लिए। देख सकते हैं कितने पतले, कितनी सारी स्टफिंग है इसमें, और बहुत ही क्रिस्पी पेपर पराठा। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि मेरे ये पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही क्रिस्पी पेपर पराठा ट्राई कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे कैसी लगी आपको रेसिपी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे नई और इजी रेसिपी के साथ।